हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके समक्ष एक नया एपिसोड भगवान बुद्ध की लघु कथाएं लेकर आए हैं। आप सभी का इस एपिसोड में स्वागत है। आज की लघु कथा का शीर्षक है साधना से जरूरी जागरूकता। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध आनंद के साथ चारिका करते करते एक संगाराम में आए तो वह देखते हैं कि वहाँ एक भिक्षु साधनारत है तो दूसरा भिक्षु उनके पास तेज जबर से पीड़ित करा रहा है। उसका गला सूखा जा रहा है, उसको पानी की ज़रूरत है तथा वह पानी पानी पुकार रहा है। उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह उठकर संगाराम में रखे घड़े से पानी पी सके। साधनारत भिक्षु टस से मस नहीं होता। तब भगवान का संकेत पाकर अनंत घड़े से पानी डालकर पात्र में लाते हैं और भगवान उसे पिलाते हैं। गर्मी के दिन है तो भी वह भिक्षु पानी पीकर सर्दी से कांपने लगता है। भगवान उस पर अपना उत्तरासंग का मतलब है ऊपर पहने का कपड़ा उड़ाते हैं। उसके बाद एक हाथ पकड़कर उसकी हथेलियां रगड़ते हैं। आनंद पांव रगड़ता है, उसकी कंपन हल्की पड़ती है तो वह धीरे धीरे उठकर बैठ जाता है और वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और क्षमा मांगता है और कहता है, भगवान आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया और बंतत आनंद ने मेरे पांव छुए। जैसे ही साधनारत भिक्षु भगवान और आनंद के शब्द सुनता है तो वह एकदम उनके चरण छूता है और तथागत कहते हैं, कितनी आश्चर्य की बात है भिक्षु, तुम्हारे पास तुम्हारा ही साथी जबर से पीड़ित पानी पानी पुकार रहा है और तुम साधनारत हो। हमारे आगमन का अभ्यास पाकर तुमने अपनी साधना भंग कर ली है। तथागत के आदर के लिए अथवा दिखावे के लिए साधना का उद्देश्य मन को निर्मल कर दूसरों के कल्याण के लिए अग्रसर होना है, ना कि ढोंग करना। तुम कितने बड़े साधु हो, ना कि पास में कुछ भी होता रहे, अपनी साधना को ही महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखो, साधना से अधिक महत्वपूर्ण है जागरूकता और समाज के प्रति कल्याण का भाव। जय भिक्षु तुम्हारा ही साथी है, तुम्हारे ही समाज व संघ का सदस्य है। यदि तुम इसके काम नहीं आओगे तो कौन आएगा? तथागत का आदर सत्कार करना है तो कल्याणकारी उद्देश्य के लिए उन द्वारा स्थापित संघ एवं समाज की सेवा को प्राथमिकता दो। यदि तुम्हारा साथी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता तो तुम्हारी जय साधना किस उपयोग में आती? भिक्षु दूसरे पंथ के साधुओं की तरह साधना को जागरूकता के ऊपर भारी ना पड़ने दो। तथागत का भिक्षु यदि हर क्षण जागरूक नहीं हो तो वह भिक्षु नहीं, ढोंगी है, पखंडी है। जय फिटकार सुनकर वह भिक्षु बहुत ही शर्मिंदा हुआ और वचन देता है कि वह साधना से अधिक प्राथमिकता जागरूकता को देगा तथा भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें साधना से अधिक प्राथमिकता जागरूकता को देनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको जय लघु कथा पसंद आई होगी। कृपया करके हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स। जय भीम, जय भारत, नमो बधाई।